ओके सो जस्ट टू रिवाइज, आपण बेसिक पायथन बघितलं, देन वी सॉ की व्हेरिएबल्स काय असतात, रिझर्व वर्ड, कीवर्ड्स काय असतात, राईट? मग त्याच्यानंतर बेसिक 5 डेटा टाइप्स बघितले, विच आर न्यूमरिकल, ओके, सिक्वेन्स, बुल, आठवतंय काही, डिक्शनरी आणि सेट. सेट मध्ये फ्रोजन सेट वगैरे हे बेसिक टाइप बघितले, म्हणजे प्रत्येक हाऊ टू प्रिंट टेक्स्ट, हाऊ टू प्रिंट नंबर्स, हाऊ टू प्रिंट फ्लोट वगैरे. ओके, त्याच्यानंतर मग आपण वी सॉ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, इफ, एलिफ, राईट? आणि मग त्याच्यानंतर लूप्स बघितले आपण, फॉर लूप, व्हाईल लूप, तर प्रत्येकाचं ऍप्लिकेशन कसं यूज करायचं, काय यूज करायचं. देन वी कवर्ड फंक्शन्स. फंक्शन्स मध्ये होते मल्टिपल टाइप, सच एज इनबिल्ट फंक्शन, देन यूजर डिफाइंड फंक्शन, राईट? इनबिल्ट फंक्शन मध्ये डायरेक्टली आपण फंक्शन वापरत, सच एज प्रिंट, दिस प्रिंट इज नथिंग बट इनबिल्ट फंक्शन. व्हाय इट इज इनबिल्ट? बिकॉज आय हॅव नॉट डिफाइंड एनीवेन, म्हणजे प्रिंट इज नॉट डिफाइंड एनीवेअर इन माय कोड, दॅट्स व्हाय इट इज इनबिल्ट फंक्शन, राईट? आय एम ओनली कॉलिंग दॅट फंक्शन. त्याच्यानंतर युजर डिफाइंड फंक्शन बघितलं, युजर डिफाइंड इज DEF कीवर्ड वापरून आपण फंक्शन क्रिएट केलं, जस्ट अ सेकेंड, राईट? DEF कीवर्ड, ओके, रिझर्व वर्ड, ऑपरेटर, डेटा टाइप्स, वेगवेगळे डेटा टाइप्स होते हे, देन वी फंक्शन्स प्रिंट, मिन, मॅक्स, दीज आर युजर डिफाइंड, सॉरी, इनबिल्ट फंक्शन्स, राईट? प्रिंट, तुम्हाला डॉक्युमेंटेशन फॉलो करायला दॅट पॉइंट वी आस्क यू टू फॉलो द डॉक्युमेंटेशन. देन देअर इज इनपुट फंक्शन, समथिंग इफ यू वॉन्ट टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, सच एज इनपुट इंटर युअर एज 45, लाईक दिस, राईट? इनपुट एज, आणि इनपुट फंक्शन ऑलवेज टेक्स स्ट्रिंग ॲज आउट, म्हणजे व्हॅल्यू ॲज अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मध्ये कायम इनपुट घेते, सो आय नीड टू कन्वर्ट इट इन टू अ नंबर, सो आय यूज INT, इनबिल्ट हेलो टाइप कास्टिंग. हेलो येस, स्क्रीन शेयर करा सॉरी, ना, स्क्रीन शेयर करा ओके 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 सॉरी, ओके, दिसते माझे स्क्रीन? सर. यस सर. ओके, तर इन द इनपुट फंक्शन्स, इनपुट इंटर युअर एज, एज व्हेरिएबल मध्ये आपण इनपुट घेतलं युजर कडून अँड दॅट वी स्टोअर्ड, राईट? पण जेव्हा इनपुट फंक्शन यूज करतो तो ऑलवेज इट टेक्स एज अ स्ट्रिंग, मग त्याला कन्वर्ट केलं नंबर मध्ये युजिंग इंटीजर, INT, हे इनबिल्ट फंक्शन वापरून आपण कन्वर्ट केलं त्याला, सो दॅट आपण त्याला मॅथमॅटिकली कॅल्क्युलेट करू, म्हणजे कम कॅल्क्युलेशन करू शकतो त्याच्यावरती, और वी आर एबल टू डू द कॅल्क्युलेशन. ओके, देन द लिस्ट. इसके बाद हमने देखा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन, लेट मी, यस, DEF कीवर्ड यूज करके आई डिक्लेयर्ड अ फंक्शन कॉल्ड माय फंक्शन, देन पास्ड ऑन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, राइट? आर्ग्यूमेंट आर नथिंग बट नंबर्स व्हिच आई एम गोइंग टू पास. क्लियर? 57, दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल. देन वी सॉ द लैम्डा फंक्शंस, इसका ही, इसको ही कॉम्प्रेस्ड वर्जन, वी यूज्ड अ लैम्डा कीवर्ड एंड देन जो इनपुट हमें दिया था एज एन आर्ग्यूमेंट वी हैव गिवन हियर, देन कोलन करके आई हैव रिटन अ कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन स्टेप. ओके, क्लियर? उसके बाद वी सॉ द स्मॉल थिंग्स अबाउट इंडेंट. इंडेंट क्या होता है? सो दिस स्पेस इज नथिंग बट इंडेंट, राइट? देन हमने नेस्टेड फंक्शंस, इफ एल्स, लैम्डा फंक्शंस, देन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, ऑल दिस वी हैव कवर्ड, एंड देन वी स्टार्टेड विद द डेटा टाइप्स इन डिटेल. डेटा टाइप्स इन डिटेल हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें स्ट्रिंग के बारे में हमने पढ़ा था, राइट?
सो वी लर्न्ड अबाउट अ स्ट्रिंग, मतलब टेक्स्ट क्या रहता है इन पाइथन में, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग, एंड हाउ टू राइट अ स्ट्रिंग, कोलन करके हम स्ट्रिंग डिफाइन करते थे, राइट? सो इट यूज टू गेट अ रेड कलर एज इन अ स्ट्रिंग, एंड देन दैट स्ट्रिंग वी स्टोर्ड इन टू अ वेरिएबल, इन दिस वेरिएबल कॉल्ड टूडे, एंड इफ वी प्रिंट द टूडे यू विल गेट द सैटरडे एज आउटपुट हियर. ओके, देन लेंथ हमने चेक किया, देन वी सॉ समथिंग कॉल्ड इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, जहाँ पे एक्चुअल डेटा, क्योंकि कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड टेक्स्ट, मतलब आपका सीपीयू रैम उसको टेक्स्ट समझ नहीं आता, उसको क्या समझ में आता है, नंबर्स, वो भी बाइनरी. तो बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू हैव अ रियल नंबर्स, एक्चुअल और नेचुरल नंबर्स विच आर 0, 1, 2, 3, 4. सो कंप्यूटर क्या करता है, जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट को ऐसे नंबर्स में ब्रेक करता है, मतलब इट डिवाइड्स इनटू अ नंबर, ऐसे नंबर को ब्रेक कर देता है उसमें. सो इफ आई वांट यू, तो वो क्या करेंगे, और हाउ टू गेट अ यू, आई कैन पास अ वेरिएबल एंड देन इन स्क्वायर ब्रैकेट आई कैन पास इधर -5 और 3, मतलब -5 नहीं तो 3 मैं पास करके सी यू आई कैन गेट इट, राइट? -5 नहीं तो 3, -8 पास करने से आई विल गेट अ लास्ट एलिमेंट, राइट? यहाँ से देखिए, लास्ट -8 स्टार्ट्स विद एस, 9 दिया तो टी प्रिंट होगा. सिमिलरली ये वो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, मतलब बीच का ही मुझे कुछ आउटपुट चाहिए, सच एज यू आर डी ए, व्हाट आई कैन डू, 3, 4, 5, 6 एंड 7, सो 3 to 7 आई कैन राइट इट इन द इंडेक्स, ऐसे कोलन 3, कोलन 7 आई कैन राइट इट, सी लाइक दिस, 3 कोलन, यहाँ पे 1, कोलन 4 लिखा है, जैसे 3, कोलन 7. नॉट ओनली दैट, आई कैन गिव अ स्टेप्स, मतलब मान लीजिए आई हैव अ रिक्वायरमेंट, मुझे ऐसे वैल्यू चाहिए जहाँ पे एक का गैप चाहिए, तो ये छोड़ के मुझे ये चाहिए, फिर ये छोड़ के ये चाहिए, ये छोड़ के ये, तो ये चाहिए. देन आई हैव अ थर्ड वेरिएबल कॉल्ड स्टेप, स्टार्ट एंड -1 स्टेप, में से ये लास्ट एलिमेंट है स्टेप, स्टेप हमें 2 देना है, फिर लाइक 0 -2 2, 2 -4 2, 6 -4 2, 8 -6 2. सो द स्टेप बिकम्स, स्टेप एज इन थर्ड वेरिएबल बिकम्स 2. तो ये क्या करेगा, जंप करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ. सिमिलरली आपको कुछ बीच के वैल्यू चाहिए, एक से चाहिए, तो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, ऐसे जंप करेगा. नहीं तो आपको बड़ा जंप लगाना है तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, 0 -4 4, 8 -4 4, तो स्टेप आपका आएगा 4. ओके, क्लियर? ये हमने देखा था ऑलरेडी. सो उसके बाद वी सॉ सम फंक्शंस, स्ट्रिंग डॉट अपर, स्ट्रिंग डॉट लोअर, मतलब आई कैन, ये जो स्ट्रिंग है मेरा एज इन टेक्स्ट डेटा है, इसको मुझे चेंज करना है और मैनिपुलेट करना है, तो मेरे पास अलग अलग फंक्शंस है, सच एज कैपिटलाइज, अपर, लोअर. तो स्ट्रिंग 1 डॉट लोअर क्या करता है, सारे अल्फाबेट्स को लोअर लेटर्स में वो कन्वर्ट कर देता है, राइट? स्ट्रिंग डॉट अपर क्या करता है, सारे अल्फाबेट्स को अपर एज इन कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है. क्लियर? सो कि अपर फंक्शन कन्वर्ट्स ऑल माय लेटर्स इनटू अ कैपिटल लेटर्स, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेथड्स. तो इससे रिलेटेड वी हैव सीन अ डॉक्यूमेंटेशन हियर, आई हैव आस्क्ड यू टू एटलीस्ट स्टडी 2 to 5 इनबिल्ट फंक्शंस, एज इन हर एक ग्रुप में आप, हर एक व्यक्ति 5 5 फंक्शन सीख लिया तो ही कैन शेयर विथ अदर्स, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस अवेलेबल इन द पाइथन. सो यू विल नॉट बी एबल टू रीड ऑल द फंक्शन, सो वॉट यू कैन डू इज ईच वन ऑफ यू कैन रेफर 5 5 फंक्शंस. आप 5 5 फंक्शन के हिसाब से इफ यू स्टार्ट रेफरिंग, सी लोअर, एल जस्ट ज्वाइन, स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, तो क्या करता है, ज्वाइन करता है, इज अपर, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल केस कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अपर केस एंड देर इज एटलीस्ट 1 केस्ड कैरेक्टर. ओके, फॉल्स अदरवाइज. तो बनाना
इज अपर का वैल्यू ट्रू आएगा, बनाना इज फॉल्स फॉल्स आएगा, बनाना इज अपर फॉल्स, क्योंकि सिर्फ एक है, कंप्लीट चाहिए। ब्लैंक के ऊपर यूज करोगे दे हैव यूज्ड इट ऑन द ब्लैंक, तो वो भी फॉल्स आएगा, राइट? क्लियर? सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू रेफर वन वन ईच फंक्शंस, सो दैट आप यू कैन आस्क समबडी एल्स और यू कैन रिवाइज टुगेदर। सब लोग मिलके एक 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 फंक्शन एक्सप्लेन करोगे तो वो रिवाइज हो जाएगा आपका सब कुछ, है ना? होप यू आर एबल टू रिकॉल व्हाट वी हैव स्टडीड। एंड देन एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, आर स्ट्रिप क्या करता है, राइट साइड का स्पेस निकालता है, एल स्ट्रिप क्या करता है, इट रिमूव्स द लेफ्ट साइड का ब्लैंक स्पेस। स्ट्रिप मतलब कट करना, जो एक्स्ट्रा है वो कट करना है, सो दिस इज द एक्स्ट्रा, सो इट विल रिमूव दिस आर। सिर्फ स्ट्रिप करोगे strip, इट विल रिमूव बोथ साइड्स। और नॉट ओनली दिस, फाइंड नाम के कई फंक्शंस है, काउंट है, फाइंड क्या करता है, इट विल लुक द वर्ड और ऑब्जेक्ट इनसाइड द मेन स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग टू के अंदर नॉट है या नहीं है ये चेक करता है ये, ओके? और है, इफ इट इज अवेलेबल, व्हाट इट डज इज इट गिव्स यू अ इंडेक्स, कितने नंबर पे है वो बता देगा आपको। तो इफ आई रन दिस कोड आई कैन सी स्ट्रिंग टू डॉट फाइंड नॉट, मतलब आई वॉन्ट टू फाइंड, स्ट्रिंग टू क्या है, ये है, हमें इसमें क्या चेक करना है, फाइंड मतलब ढूंढना, क्या ढूंढना है, नॉट है कि है या नहीं है, नॉट इसमें है, दिस इज अवेलेबल हियर। सो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए इसका आउटपुट आया है 10, क्योंकि ये 10वें नंबर पे है, एज इन ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ब्लैंक 7 8 9 10, 10 से स्टार्ट हो रहा है, सो इट इज गिविंग अ एग्जैक्ट इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 नंबर से, ओके? सो सिमिलरली फाइंड जेड, जेड कहां पे है वो ढूंढ के निकालता है, सो ओके? बट जेड है क्या इसमें, नहीं है, देयर इज नो जेड, तो ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट माइनस वन दे देता है, माइनस वन मीन्स इट इज नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट। क्लियर? यस नो? सॉरी। एंड द काउंट, व्हाट इट डज, काउंट फंक्शन, काउंट ओ कितनी बार आ रहा है, कैन यू टेल मी हाउ मेनी टाइम्स ओ इज देयर, दिस इज वन, देयर इज अ टू टाइम्स। सो सिमिलरली पी आप चेक कर सकते हो, ई ए, इफ यू वांट टू प्रिंट ए कितनी बार आया है, यू कैन सी ए इज अपीयर्ड ओनली वंस, ओके? लाइक दिस काउंट फंक्शन यू कैन फॉलो। रिप्लेस, रिप्लेस मतलब चेंज करना, ये देखिए मैंने किस नॉट को ब्लैंक से चेंज किया है, नॉट निकाल के ब्लैंक भर दो उस जगह पे, ये स्ट्रिंग में क्या था, ये सॉरी स्ट्रिंग टू में क्या है, स्ट्रिंग टू इज लाइक दिस, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग टू डॉट रिप्लेस, इसमें से रिप्लेस करो नॉट, मतलब नॉट निकाल दो और किससे भर दो, ये ब्लैंक है जो, सो ब्लैंक से भर दो यहाँ पे, और ये फाइनल जो कट करके आ गया है आउटपुट, उसको स्ट्रिंग थ्री में स्टोर करो, और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग थ्री पब्लिश किया है और प्रिंट किया है, राइट? ये देखिए यहाँ पे वो उन्होंने नॉट निकाल के दिया स्ट्रिंग से, राइट? इतना ही नहीं, आप स्प्लिट भी कर सकते हो, मतलब आपको हर एक वर्ड इसमें से अलग अलग चाहिए, तो आपको स्प्लिट नाम का एक फंक्शन आता है दैट यू कैन यूज, व्हाट इट डज इज वो ब्रेक करता है, देखिए 1 2 3 नाम के ये तीन लेटर्स है, दिस इज अ टेक्स्ट विद लॉट ऑफ स्पेस, सो व्हाट आई कैन डू इज ये स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट कर देता हूँ, सो डायरेक्टली ये स्प्लिट हो जाएगा, जहां जहां पे स्पेस है वहां पे स्प्लिट हो जाएगा, देखिए, और वो लिस्ट में सेव कर देता है नंबर। क्लियर?
बाय द वे, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कोलन कोलन माइनस वन लिखने से क्या होता है पता है कि आपको? दिखा है हमने ऊपर, सो इट रिवर्स द स्ट्रिंग, जो मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग इसको रिवर्स कर देता है। ये देखिए, लाइक माई स्ट्रिंग इज KGF चैप्टर टू, माई रिवर्स स्ट्रिंग इज टू टू जो भी है वो RTA FGK है ना, KGF चैप्टर टू ऐसे में लिखा था, मुझे ये आउटपुट आया, दिस इज नथिंग बट अ रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करना है। ओके ओके, अभी तक हमने इनबिल्ट फंक्शन देखे। ओके, नॉट ओनली इनबिल्ट फंक्शन, सम मैथमेटिकल रिलेशनल सच एज मल्टीप्लीकेशन एडिशन, ये भी स्ट्रिंग पे एप्लीकेबल है। मतलब मान लीजिए आपने गलती से लिखा अनिल नाम का एक स्ट्रिंग है, स्टार करके तीन, मतलब अनिल जो टेक्स्ट है उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तीन नंबर से, तो उससे क्या होता है, इट रिपीट्स द स्ट्रिंग, मतलब ये रिपीट हो जाता है तीन बार। ये देखिए, इफ आई पुट इट 30 times तो ये क्या होगा, 30 बार रिपीट होगा। नॉट ओनली दिस, मैं इससे इंटरेस्टिंग पैटर्न बना सकता हूँ कुछ ऐसे, मान लीजिए ये है और डॉलर ऐसे तीर से, देखिए ऐसे डिजाइन में बना सकता हूँ इंटरेस्टिंग। ओके, सो ये क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन भी स्ट्रिंग पे पॉसिबल है, वो रिपीट कर देता है उसको। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन, मतलब कंबाइन करना। ओके, सॉरी, एक होमवर्क है आपके लिए, आपको पैलिंड्रोम है या नहीं है वो चेक करना है। स्ट्रिंग पैलिंड्रोम मतलब, ये देखिए, वाव, WOW, वाव क्या है, इफ यू रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑल्सो सेम, राइट टू लेफ्ट, आप लेफ्ट से राइट पढ़िए, राइट से लेफ्ट पढ़िए, दोनों का मतलब सेम है, राइट, वाव। सो ऐसे वर्ड्स आपको ढूंढना है और ऐसे वर्ड्स आपको चेक करके बताना है वेदर दे आर पैलिंड्रोम और नॉट। ओके, जैसे बॉब हो गया और टॉम, नहीं, दो तीन वर्ड्स है ऐसे कि वो आगे से पढ़ने से भी सेम है, इफ यू रीड इट फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बोथ आर सेम। ओके, देन देर आर सम नंबर्स लाइक, सो दिस इज, देर इज वन मोर एडिशन, यू कैन एड द टू स्ट्रिंग एज वेल एज इन, आप एक कर सकते हैं ऐसे स्ट्रिंग को एड भी कर सकते हैं, सच एज कप, ये देखिए, कपिल प्लस नेम और वट द इंफॉर्मेशन, ये क्या करेगा, एड करेगा दो स्ट्रिंग को, प्लस ऑपरेशन एंड स्टार ऑपरेशन विल मल्टीप्लाई। ओके, आई कैन नॉट मल्टीप्लाई दिस स्ट्रिंग, तो इसको इफ आई मल्टीप्लाई, ट्राई टू मल्टीप्लाई, ये उतनी बार जनरेट करेगा आउटपुट, ये देखिए, राइट। सो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, आता तुम्ही म्हणाल सर एडिशन मल्टीप्लिकेशन होते है, सब्ट्रैक्शन पण होते है का, डिविजन होते है का, लेट अस ट्राई वेदर इट वर्क्स और नॉट। कपिल माइनस नेम होता है क्या वर्क? नहीं, व्हाट इट सेज, कपिल इज नॉट डिफाइंड। ओके, लेट्स मेक इट अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को नहीं किया था, माइनस कीजिए, अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर माइनस, मतलब माइनस स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग के ऊपर माइनस वर्क नहीं होता। ओके, लेट्स ट्राई सम अदर थिंग, डिवीजन, दिस इज आल्सो नॉट सपोर्टेड। ओके, ओनली प्लस एंड माइनस आर सपोर्टेड, ऑल अदर ऑपरेंड और ऑपरेशंस आर नॉट पॉसिबल ऑन द स्ट्रिंग। क्लियर सबको, हाउ टू यूज स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग क्या रहता है, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, उसके ऊपर के मेथड्स। ओके, यस, नो, सो नेक्स्ट विल सी द नेक्स्ट डेटा टाइप विच इज लिस्ट। जैसे हम स्ट्रिंग द टेक्स्ट स्टोर कर सकते करते थे, सो
व्हाट इफ आपको एक रिक्वायरमेंट है जहां पे आपको बहुत सारे नंबर्स स्टोर करने हैं. टू गिव यू एन एग्जांपल, टेक मार्कशीट, स्टूडेंट्स मार्कशीट. तो हर एक स्टूडेंट के लिए 5 to 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं, राइट? सो एंड ईच सब्जेक्ट हैज देयर ओन पासिंग मार्क रहेगा, उसका परसेंटेज रहेगा, टोटल रहेगा, वॉट एवर द नंबर्स आर. बट यू हैव मल्टीपल नंबर्स आपको स्टोर करना है, राइट? मार्कशीट के लिए. सो दैट टाइम यू शुड यूज अ डेटा टाइप कॉल्ड लिस्ट. तो ये क्या करता है, इट स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन इन वन प्लेस. मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इंफॉर्मेशन पास कर सकते हो. स्क्वायर ब्रैकेट एंड कोलन, दीज आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स. मतलब लिस्ट को कैसे पहचानना है, स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए एंड ये कोलन होना चाहिए दो इंफॉर्मेशन के बीच. दैट टाइम इट बिकम्स अ लिस्ट. सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट सच एज डुप्लीकेट्स आर अलाउड. मतलब मान लीजिए, इफ आई स्टोर टू हियर, आई कैन स्टोर टू वन मोर टाइम, आई कैन स्टोर वन मोर टू हियर. सो डुप्लीकेट अलाउड है मेरे लिस्ट में. सो देयर आर सम डेटा टाइप सच एज सेट, उसमें डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड. विल सी, हम प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे क्वेरी और कोड, देन विल सी वेदर इट वर्क्स और नॉट. ओके, ओके. द नेक्स्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इज टू लिस्ट एज वेल. मतलब आप जो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करते थे, यहाँ पे जो हमने इंडेक्स ये देखी है, दिस इज नथिंग बट इंडेक्स, एक एक इंडेक्स और ये स्लाइस हो गया, राइट? लाइक दिस, ये क्या हो गया, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग. ऐसे ही जैसे हमने वर्ड के साथ किया, इंडिविजुअल कैरेक्टर को सेपरेट किया विद द हेल्प ऑफ नंबर्स. सो ये लिस्ट में भी होता है. सिमिलरली इट इज एप्लीकेबल फॉर द लिस्ट. तो लिस्ट को भी ये ब्रेक डाउन करता है एंड गिव्स अ डिफरेंट नंबर्स. मतलब अलग अलग नंबर्स दिए जाते हैं, देखिए यहाँ पे, राइट? देखिए, मेरा एक माय मार्क्स नाम का एक लिस्ट है. उस लिस्ट के अंदर, लिस्ट इज आइडेंटिफाई बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर मेरा डेटा है 10 ट्रू मार्क्स, ट्रू फॉल्स और ये नंबर, एंड सेपरेटेड विथ कॉमा, दिख रहा है? सो दिस इज बिकम्स अ लिस्ट जहां पे मल्टीपल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इनटू अ वन वेरिएबल. हमने अभी तक क्या देखा था कि एक वेरिएबल है ऐसा, उस वेरिएबल में सिर्फ एक नंबर है, वेदर 3, 4, 34 और वॉट एवर, ओनली वन. बट इन द केस ऑफ लिस्ट वॉट इट डज इज इट स्टोर्स अ मल्टीपल इंफॉर्मेशन. मल्टीपल मतलब ये देखिए, ऐसा बड़ा कुछ इट विल बी देयर एंड इन दिस इट विल स्टार्ट स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, नंबर कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स और जो भी नंबर्स है आपके. सो ऑल दोज नंबर्स, और ये नंबर को पूरे इसका वेरिएबल होगा माई मार्क्स, राइट? और इसमें 1 to 0 जो भी मेमोरी लोकेशन है. क्लियर? टू स्टोर अ मल्टीपल इंफॉर्मेशन वी आर यूजिंग अ वेरिएबल, सॉरी, वी आर यूजिंग अ लिस्ट. और लिस्ट को कैसे बनाते हैं, हाउ वी कैन डू लिस्ट इज, यू कैन पुट इट इन टू स्क्वेयर ब्रैकेट. स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर आप एलिमेंट दे सकते हो मैन्युअली ऐसे लिख के, और आप डायरेक्टली लिस्ट नाम का एक फंक्शन आता है, इनबिल्ट फंक्शन. तो ये इनबिल्ट फंक्शन को आप डायरेक्टली स्ट्रिंग है, सपोज माई नेम इज इक्वल टू कपिल, आई हैव मेंशनड हियर, एंड इफ आई कन्वर्ट दिस इन टू अ लिस्ट, इसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया है, देखिए यहाँ पे, ओके? और ये लिस्ट में कन्वर्ट होगा तो ऐसे दिखेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक एक अल्फाबेट, और उस अल्फाबेट को सेपरेट किया है कॉमा कोलन देखे, राइट? सो दिस इज नथिंग बट अ लिस्ट. इसका आप डेटा टाइप भी चेक कर सकते हो, टाइप, ये देखिए, टाइप इज इक्वल टाइप, और आप वेरिएबल पास करो, ये क्या है, स्ट्रिंग है. एंड इफ आई पास, सपोज दिस माई मार्क्स के लिए इफ आई पास टाइप
इसका टाइप डेटा टाइप देखिए लिस्ट आ रहा है ना, बिकॉज दिस इज अ लिस्ट, इट स्टोर्स अ मल्टीपल इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई इट इज अ लिस्ट। अभी तो हम, सो वंस वी नो हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू एक्सेस द लिस्ट, मतलब वो लिस्ट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है उसको कैसे हम हमें ढूंढना है, और हाउ टू फाइंड आउट दोज लिस्ट। तो अगेन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग हमने जो सीखा था सेम, आई कैन यूज अ स्लाइसिंग हियर और इंडेक्सिंग। सपोज माय मार्क्स ऐसे लिखता हूँ, और यहाँ का एक वेरिएबल ले लेता हूँ 2, तो इसका आउटपुट मुझे क्या आएगा, माय मार्क्स का मार्क्स आएगा, क्योंकि मार्क्स ये एलिमेंट है इस 2 नंबर पे। और सपोज माई मार्क्स इज इक्वल टू, मैंने ये 3 लिखा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू जो एलिमेंट है, राइट। मान लीजिए मैंने माई मार्क्स का इफ आई यूज अ माइनस इंडेक्स सच एज -2, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। सो आई विल गेट फॉल्स एज वेल हियर। सो यू कैन एक्सेस सी 3, 2, -1। नॉट ओनली दिस, आप इसको स्लाइस भी कर सकते हो। स्लाइस मतलब आप यहाँ से ऐसे कट कर सकते हो, इधर दिस और ये ऐसे कट करना है तो आप ऐसे कट कर सकते हो। ओके क्लियर। सो वी हैव सीन स्टार्ट एंड -1 स्टेप, यहाँ पे भी वही है लॉजिक, 0 to 3, मान लीजिए 0, 1 एंड 2 इतना प्रिंट होगा, इतना 3 एंड -1 है तो स्किप हो जाता है, राइट। सो ट्राई टू रन एंड एग्जीक्यूट, ये देखिए 10 मार्क्स, इतने एलिमेंट आए है ना, 10 ट्रू एंड मार्क्स। देन 20.56 इज फॉर -1, -1 कहाँ पे है, ये लास्ट एलिमेंट इज कॉल्ड -1, आ गया क्या आउटपुट, आ गया है, राइट। मार्क्स 2 में क्या है, माय मार्क्स का 2 एलिमेंट है मार्क्स, लेट अस सी आया क्या, यस इट इज देयर, देखिए है ना। एंड माय मार्क्स 3 में क्या है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, थर्ड, इट इज कॉल्ड ट्रू, सो आई हैव गॉट आउटपुट एज ट्रू। क्लियर इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कैसे होता है। सो वंस यू स्लाइस लिस्ट, स्टेप भी दे सकते हो, नॉट ओनली स्टार्ट एंड स्टेप, जैसे हम ऑड नंबर्स फाइंड आउट करते थे, सो सिमिलरली यू कैन गिव अ नंबर, मतलब राम के बाद मोनू, मोनू के बाद गणेश, गणेश के बाद रानी, इफ यू वॉन्ट अल्टरनेट नाम और यू वॉन्ट अल्टरनेट पीपल, ये पीपल चाहिए आपको, तो आप ऐसे स्टेप दे सकते हो, स्टार्ट एंड -1 स्टेप। ओके स्टार्ट सेकंड से होगा, मतलब मोनू से होगा, राइट। स्टार्ट मोनू से होगा और कहाँ तक जाएगा, सॉरी स्टार्ट होगा मोनू से और जाएगा कहाँ तक, 10, 10 इज नथिंग बट एंड -1, तो 9 तक जाएगा वो, यहां से यहां तक जाना है उसको, और स्टेप कहाँ है, 2, 2 मतलब एक गैप छोड़ के यहां से यहाँ और यहाँ जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये क्लोज है, यहाँ तक ही है 9 तक, राइट। सो इट विल गो टिल हियर एंड इट विल क्लोज। सो आप देख सकते हो मोनू, गणेश, रानी एंड चिंटू, मोनू, गणेश, रानी एंड चिंटू, राइट, ऑल दिस यू हैव गॉट अ आउटपुट। सो सिमिलरली आप ऑड एंड इवन के लिए भी कर सकते हो, मतलब 1 से स्टार्ट कीजिए, 2 पे जाइए, देन आपको ऑड नंबर्स मिलेंगे, 1, 3, 5, 7, और उस वेरिएबल में कौन कौन से नाम है, दैट यू विल सी। ओके सो वंस यू अंडरस्टैंड द स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हाउ टू, मतलब मान लीजिए बीच का एलिमेंट चेंज करना है मुझे, ओके आई नीड टू चेंज नेम ऑफ सोनू, सोनू 2, सोनू 1, सोनू 2 ऐसे करना है कुछ, और सोनू 4, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन द लिस्ट।
हाँ वो कैसे करना है विल सी। पहले तो ये इफ फर्स्ट ऑफ ऑल ये एलिमेंट को हमें बाहर निकालना है लिस्ट से, तो वो कैसे होता है, इंडेक्सिंग यूज करके। तो नंबर्स हमने यहाँ पे लिखा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इसका वेरिएबल लिखा। वेरिएबल क्या है इसका, 0 1 2, सो वी हैव मेंशनड एज अ 2 हियर। ओके राइट, देन आपको आउटपुट में आएगा एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट आपको आउटपुट में आएगा। आपने सेकेंड एलिमेंट चाहिए था आपको, यू हैव गॉट अ सेकेंड एलिमेंट। ओके एंड देन मान लीजिए एक बार आपको 30, इफ यू नो दिस इज वैल्यू ऑफ इसका क्या है, 30 है, तो उसी को इक्वल टू करके यू कैन चेंज द वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू तो आपको पता है 30, फिर ये 60 आया तो ये 60 इसके अंदर जाएगा डायरेक्टली। तो आप एक बार प्रिंट करके देख सकते हो नंबर्स, आपको ये चेंज हुआ दिखेगा। ये देखिए नंबर्स पहले क्या आता था, नंबर्स इज इक्वल टू 10 20 30 40, अभी क्या आ रहा है 10 20 60 40, क्योंकि आई हैव चेंज द वैल्यू 60 हियर। ये देखिए है ना। नेक्स्ट, वंस यू नो हाउ टू क्रिएट, हाउ टू एक्सेस, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऐड फ्यू मोर एलिमेंट्स सच एज लूप्स। म्हणजे लूप वापरून पण आपण सगळे इन्फॉर्मेशन प्रिंट करू शकतो, सच एज फॉर नेम इन नेम्स। नेम्स काय आहेत, नेम्स इज नथिंग बट अ कलेक्शन। इथे दिसतंय नेम्स, इथे पण नेम्स आहे। सो फॉर नेम म्हणजे एक व्हेरिएबल क्रिएट होईल, असा याचं नाव असेल नेम। तर वन बाय वन फर्स्ट राम विल कम हिअर, ओके देन श्याम विल कम हिअर, लाईक दिस मोनू विल कम हिअर अँड सोनू विल कम हिअर, वन बाय वन। अँड आय एम व्हॉट आय एम डुईंग इज आय एम प्रिंटिंग दॅट नेम। फर्स्ट वेन सोनू केम और राम कम आय एक्झिक्युटेड दिस, मग श्याम एक्झिक्युट केलं, मग मोनू राईट, मग सोनू, देन गणेश। सो यू कॅन इंडिव्हिज्युअली असाइन द गणेश। ओके आप इंडिविजुअली एलिमेंट को असाइन कर सकते हो। फॉर लूप यूज करके एंड देन लेंथ फंक्शन, इट विल गिव हाउ मेनी वर्ड्स और एलिमेंट्स आर देयर इन द लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर कितने कितने एलिमेंट है ना वो सबको काउंट करेगा एंड देन इट विल गिव अ लेंथ। ऐसा मत कीजिए राइट, लेंथ इज अ इनबिल्ट फंक्शन। देन दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन वेयर आई हैव यूज्ड अ व्हाइल लूप, मतलब ये जो नंबर जनरेट हो रहा है रैंडमली विद इन द मेमोरी, आई कैन यूज दिस नंबर एंड प्रिंट दिस आउटपुट एज अ शिवा। सो दैट्स हाउ टू डू इट, आई दिस इज अ व्हाइल लूप, व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ, लेंथ ऑफ नेम्स, मतलब नेम्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट काउंट करो, दो आर द 11 एलिमेंट्स, और 11 एलिमेंट्स के नीचे और 11 एलिमेंट में से 5 आपको एक्सट्रैक्ट करना है, सो दैट यू कैन डू इट नेम्स, और आप लिस्ट पास कर सकते हो और इंडेक्स और स्लाइस कर सकते हो उसको, सिर्फ 5 एलिमेंट आपको चाहिए। ओके स्टार्ट विथ 2 एंड एंड विथ 10। यस नो, सो व्हाइल लूप का भी सेम एप्लीकेशन है, वेयर आई हैव अ टर्मिनेटिंग कंडीशन, टर्मिनेटिंग कंडीशन कॉल्ड लेंथ, लेंथ ऑफ 11 और लेंथ ऑफ नेम्स, इस सारे सबका लेंथ क्या है 11। ओके तो 11 देन आई कैन यूज दैट एज अ इंक्रीमेंट आई, एंड आई को बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब एक दिन का कंप्लीट यू कैन कवर एंड देन ऐड कंटिन्यूअसली। रेंज से भी वी कैन क्रिएट अ लिस्ट कॉल्ड लिस्ट इन ब्रैकेट रेंज 12 सेंट। ओके ओके लिस्ट मेथड्स, सो दिस टॉपिक विल कवर टुमारो, आई डोंट वांट टू स्टार्ट एंड इन बिटवीन एंड करना,
दिस इज नथिंग बट अ मेथड. जैसे हमने अपर, लोअर, कैपिटलाइज ये सब कुछ देखा था ना, तो सेम वे में लिस्ट के अलग अलग मेथड्स है, सच एज लिस्ट डॉट अपेंड, लिस्ट डॉट पॉप, लिस्ट डॉट सॉर्ट, राइट. स्पेसिफिक डेटा टाइप के लिए, जैसे स्ट्रिंग के लिए हमने पढ़ा था, सेम सीक्वेंस में वी विल कवर द लिस्ट एज वेल. ओके, क्लियर सबको? आई नो थोड़ा वी आर लिविंग इट क्वाइट अर्ली, बट आई डोंट वॉन्ट टू इन बिटवीन, मतलब कट नहीं करना है मुझे. आई नीड टू टीच कंप्लीटली, सो नॉट एन इशू. वी विल कनेक्ट टुमारो एट द सेम टाइम, और मे बी बिट अर्ली ऑल्सो इफ पॉसिबल. कळते का सगळ्यांना काय होत आहे काय नाही आहे, व्हॉट इज हॅपनिंग व्हॉट इज नॉट हॅपनिंग? हो सर, कळतंय. सर एक क्वेश्चन होता. येस. आता जसं मी बघितलं याच्यामध्ये लिस्ट इज म्युटेबल, म्हणजे हां, सो तेच आपण उद्या बघणार आहे. लिस्ट इज म्युटेबल, इन शॉर्ट सांगायचं झालं तर तुम्ही इलिमेंट चेंज करू शकता. म्हणजे जर लिस्ट मध्ये 5 इलिमेंट असतील तर एक डिलीट करून टाकू शकता, नाहीतर एक ऍड करू शकता. यू कॅन मॉडिफाय द लिस्ट. तर हे मॉडिफिकेशनच्या प्रॉपर्टीलाच म्युटेबल म्हणतात. ओके. ओके, पायथनच्या इंग्लिश लँग्वेज नुसार ओके ते आपण उद्या करून बघणार आहे. वी आर गोइंग टू डिलीट समथिंग, ऍड समथिंग, कॉपीज करणार आहे आपण. हे सगळे ऑपरेशन जर ते डेटा स्ट्रक्चर काय म्हणायचं त्याला, इफ इट इज नॉट देअर ऑर डेटा स्ट्रक्चर म्युटेबल जी प्रॉपर्टी आहे ती नसती तर मी हे करू नाही शकलो असतो. ओके, म्हणजे त्या लिस्ट मधून मी इलिमेंट बाहेर नसतो काढू शकलो, इफ दॅट प्रॉपर्टी इज नॉट देअर. क्लिअर? यस सर. सो